Hello my dear friends, assalamu alaikum. Today we have a mathematics paper. Mathematics paper में देखें कुछ important questions. Perimeter of a rectangle. एक rectangle जो होता है, जैसे कि ये figure है, इसका हम perimeter कैसे नापते हैं? ये चार sides हम add करते हैं. जैसे let's suppose ये length है, ये width है, तो हम क्या करते हैं, हम इन add करते हैं. Length ये भी और ये ऊपर वाला भी, ये दो लेंथ हैं इसमें और ये दोनों साइड्स की विड्थ. सो 2l प्लस 2 विड्थ, 2 कॉमन. सो ये इसका आंसर है पहले का, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ. जैसे कि इस फिगर का पेरीमीटर हम निकालेंगे तो ये ऐड करेंगे 8, 11, 14. सो 14 मीटर विल बी राइट आंसर. सिंपली आपको क्या करना है कि आप ये ऐड कर देंगे, ये हो जाएंगे 14 मीटर हैं तो सभी मीटर में. नेक्स्ट वन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ 77, यानी कि इनमें से कौन सा नंबर है जिसकी टेबल 77 पे लगती है. सो 11 की टेबल देखें, 77 पे लगती है सात टाइम्स, क्योंकि 77 को अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे तो जो है वो 7 टाइम्स लगेगी. सो 7 टाइम्स. नेक्स्ट है सक्सीडिंग नंबर ऑफ 7, यानी कि 7 से ज़्यादा, 7 से आगे कौन सा नंबर है, वो है हमारे पास 8. सक्सीडिंग नंबर यानी इससे आगे, अगर होता प्रीडिसेसिंग यानी इसके पीछे, तो सक्सीडिंग नंबर ऑफ 7 इज 8. नंबर फाइव एक फार्मूला है जो हम सॉल्व करेंगे. पहले ये वाला a प्लस बी होल स्क्वायर, फिर माइनस है a माइनस बी होल स्क्वायर. पहले ये सॉल्व करेंगे तो ये फार्मूला है, ठीक है. फिर अब हम ये ब्रैकेट, लेकिन ये माइनस सेम रखें, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. अब माइनस को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना होगा. सो माइनस ए स्क्वायर माइनस इंटू माइनस टू ए बी माइनस इंटू प्लस माइनस बी स्क्वायर. ए स्क्वायर ए में कैंसिल, बी स्क्वायर बी, क्योंकि ये माइनस के हैं ये प्लस के हैं. ये टू ए बी और ये टू ए बी एड हो जाएंगे. सो फोर ए बी हो जाएगा, ठीक है. बाकी मैं जो मॉक टेस्ट है नेक्स्ट उसके बारे में बताऊं कि वो हम जो है ट्यूसडे को सोच रहे हैं कि ट्यूसडे के दिन रखें. ट्यूसडे के दिन वैसे तो स्कूल्स वगैरह बंद हैं, लेकिन हम जो है ट्यूसडे के दिन सोच रहे हैं. एकेडमी ऑन रहेगी, सो ऑनलाइन पेपर भी हम ले लेंगे फेसबुक पे. जब रेडी हो जाए फिर भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन देखते हैं. नेक्स्ट वन, द नंबर्स दैट हैव ओनली टू फैक्टर्स एंड आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स. ऐसा नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, ये प्राइम नंबर्स हैं. इनके सिर्फ टू फैक्टर्स होते हैं, एक ये खुद और एक वन. सो ये प्राइम नंबर्स. विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइम नंबर, इनमें से कौन सा प्राइम नंबर नहीं है, वो है 91, क्योंकि 7 की टेबल लगती है इस पे, 13 की टेबल भी लगती है, ठीक है. जैसे कि 91 को मैं डिवाइड कर दूं 7 से तो 1 टाइम, रिमाइंडर 2, ये 1 नीचे ले आए 3 टाइम्स. सो 13 की टेबल भी लगती है, 7 की टेबल भी लगती है. सो बाकी सब प्राइम है. उसके बाद सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स का सम निकालना है. देखें फर्स्ट 5 प्राइम नंबर ये हैं 2, 3, 5, 7, 11, इनका सम. फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स ये हो गए 5, ये 10, 17, 17 और 11 ये हो गए 28, 28. 28 के बाद है हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर लेस देन 10, 10 से कम प्राइम नंबर. एक 2 है, 3 है, 5 है, 7 है. सो 4 हैं जो प्राइम नंबर हैं 10 से कम हैं, इनसे ज़्यादा और कोई भी नहीं. 25% ऑफ 800, 25% अपान में ऑलवेज 100, 25 को 8000 है, सॉरी 8000 नॉट 800, 8000 से मल्टीप्लाई, 2020 में कैंसिल. 25 इंटू 80,
सो 8 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो ये होंगे 200, ये जीरो लिख दें, यानी कि 2000 डी ऑप्शन में है। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर 3D है, इसका सरफेस एरिया का फार्मूला है 2πr इंटू ब्रेकेट आर प्लस एच। आर इज रेडियस, एच इज हाइट ऑफ अ सिलेंडर। नेक्स्ट वन इज इफ रेडियस इज 7/22 देन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल विल बी। देखिए कि रेडियस मिला हुआ है 7/22, सर्कमफ्रेंस है 2πr, ये फार्मूला है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल का। जैसे आपकी बाइक का है उसका टायर, ये सर्किल है, सो इसका सर्कमफ्रेंस 2 × 22/7, और आर है, आर की वैल्यू मिली हुई है 7/22, साथ साथ में कैंसिल, 22 22 में ख़त्म, बाकी ये रह गए 2। ओके, विच आर द फॉलोइंग नंबर्स डिविजिबल बाय 15, यानी कि कौन सा नंबर है जिस पे 15 की टेबल लगती है। 15 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं कि आप चेक करें कि 5 की टेबल लगती है उस नंबर पे, 3 की टेबल लगती है यानी उस नंबर पे 15 की टेबल लगेगी। 720, 7 और 2 9, यानी इस पे 3 की टेबल लगेगी, और लास्ट डिजिट 0 है यानी 5 की टेबल भी लगेगी, क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, लास्ट डिजिट या 0 हो या 5 हो, सो इन पे 15 की टेबल लगेगी। फिर है 360, 3 और 6 9, सो इस पे 3 की टेबल लग रही है यानी इस पे भी लगेगी, लास्ट में 0 है तो 5 की भी लगेगी यानी 15 की भी लगेगी। नेक्स्ट है 180, 8 और 19, तो 3 की भी लगेगी, अगेन 5 की भी लगेगी यानी 15 की लगेगी। सो ऑल ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट वन इज एच सी एफ ऑफ 9 और 12 इज 3। वेरी वेरी इजी, कैसे ये मैंने सॉल्व किया इतनी जल्दी में, छोटे नंबर हो तो आप इसे सॉल्व करें। देखिए इनमें कौन कौन सी टेबल लगती है, इनमें देखें, फिर देखें जो दोनों में नंबर हो और बड़ा हो, ये छोटा है, दोनों में नंबर हो और बड़ा हो, ये इसका सी एफ है। एल सी एम, एल सी एम है 2 3 4, देखें 1 टाइम इस पे, 2 टाइम सेम, 1 टाइम और 3, ये हो गए 1 4 4 12, सो ऑप्शन डी डक। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 4 और 9, 36 6, आंसर ये कैसे किया कैसे होगा देखें। नंबर 16 सॉल्व कर रहा हूँ, मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे करता हूँ, हमारे पास 4 है, एक्स नहीं है, फिर एक्स, फिर 9, ये मीन्स हैं, ये एक्सट्रीम्स हैं, आपस में मल्टीप्लाई, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, 4 × 9 = 36, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, एक्स 6 6 = 36, सो 6। देखें 4 को 9 से मल्टीप्लाई करें 36, और किस नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करूं तो 36 आए, वो 6 है। ये फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछता है 258 का, यानी इस तरह, ये फोर्थ प्रोपोर्शनल, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इसको 2 × x, देखें 5 को 8 से मल्टीप्लाई, 40 आता है, 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो 40 आएगा, वह 20 यहीं पे हो गया। जैसे 2 × x 2x, 5 × 8 40, 40 / 2 = 20, ठीक है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल यहाँ पे बना लें, लेंथ क्या है 15.5 सेंटीमीटर, ब्रीथ क्या है, ब्रीथ है 16.5 सेंटीमीटर, यानी 15.5 इस तरफ भी होगा, 16.5, ये सब आपस में ऐड कर लें बस, चारों साइड्स आपस में ऐड कर लें, सो ये 20 दो ऊपर, सो ये 7 12 12 18 24 दो ऊपर, ये 4 और 2 6, ये डेसिमल इसके नीचे क्योंकि एक के बाद है सब में, सो 64 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। उसके बाद है
Page number two is find the area of triangle in which altitudes is 8 centimeter and base is. देखें ट्राइंगल जो होता है कोई भी उसका एरिया है 1/2 बेस इनटू हाइट या बेस इनटू हाइट डिवाइडेड बाय 2. 8 को 10 से मल्टीप्लाई करें डिवाइड बाय 2. 80 सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर. 40 कहां पे है, ये रहा. नेक्स्ट वन, इफ सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 90, अगर टू एंगल्स का सम 90 हो तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अगर टू एंगल्स का सम 180 हो तो सप्लीमेंट्री एंगल्स. याद कर लें आप. सम ऑफ द मेजर्स ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, देखें ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम है 180 डिग्री. सम चाहे कैसा भी ट्राइंगल हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो चाहे कैसा भी हो, इंटीरियर एंगल्स का सम 180. सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर यानी इस तरह से स्क्वायर है या किसी भी शेप में है क्वाड्रिलेटर हो, सो इट विल बी 360. याद कर लें आप. नेक्स्ट वन, इफ द लेंथ ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 14 सेंटीमीटर फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल. देखें कि एक और पेज ले लूं, क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर है अब 23. सर्कमफेरेंस के टू फार्मूले हैं, 2πr या पाई इनटू डी लिख दें. ठीक है, यहाँ पे क्या है कि फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल जब डायमीटर मिला हुआ है यानी डी इज 14, सो 22/7 जो कि पाई की वैल्यू है और ये 14, 7 की टेबल 40 में 2 टाइम्स, 22 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 44, सो 44 है, सो ये आंसर राइट है. नेक्स्ट वन इज 24, द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज 1 सेंटीमीटर फाइंड इस एरिया. जैसे कि मैंने एरिया का पहले भी फार्मूला बता चुका हूँ, सर्किल का पाई आर स्क्वायर है, सो अगर आर वन है तो वन का स्क्वायर वन ही रहेगा यानी कि पाई, सो पाई देखेंगे कहीं है, पाई की वैल्यू है 22/7, सो यही आंसर करेक्ट है. सो ये मैंने पहले भी किया हुआ है, ये आप मुझे इसका आंसर जो है 25 का कमेंट में बताएं, और मुझे जो आप आंसर बताएंगे वो काफ़ी स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं सर ए ऑप्शन सही है, बी सही है, डी सही है, ऐसे नहीं करें, जो आंसर है करेक्ट जो ऑप्शन है वो लिखें. ऐसे बताएं सर 10/12, 10, 5/3 या 5, क्योंकि ऐसे जो 2-3 दिन गुजर जाते हैं फिर मुझे क्वेश्चन भी याद नहीं रहता कि कौन सा पूछा है, ये किसका ऑप्शन है, और बहुत सारी वीडियोज़ हैं इसलिए ऑप्शन होगा तो मुझे याद रहेगा. नेक्स्ट वन 26 नंबर है, ये मैंने सॉल्व किया है पीछे उसके लिहाज से पैटर्न में है. देखें 4/5 इसको लिख सकते हैं क्योंकि इसका जो पावर है ये सेम है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, और कोई भी ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन नहीं है, सो नन ऑफ दीज हम टिक करेंगे. ठीक है, इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई से नहीं कर सकते. ओके, नंबर 27 है, वैल्यू बताएं, मैं लिख देता हूं आसानी के लिए, 3x³ + 2x² + 8x - 5. जब x की वैल्यू क्या है, 1 पावर, 1 को कितना भी पावर देंगे 1 ही आएगा, यानी x 1 है, सो यहां पे 1 पुट करते जाएं, सो 1 को पावर कितना भी, ये 1 है, 3 × 1 = 3, ये 2, ये 8, ये माइनस, सो ये 10, 13, 13 में से 5 गए 8, सो 8 कहीं पे भी है, ये रहा. नेक्स्ट वन इसी तरह है, देखें 28 नंबर पे गौर करें. 28 नंबर कहता है कि x पावर 5 प्लस y प्लस 13 इज इक्वल टू 0, जबकि x 1 है, 1 को कितना भी पावर दूं 1 ही रहेगा, सो ये 1 प्लस y प्लस 13 प्लस 0 यानी कि 14, y प्लस 14 इज इक्वल टू 0,
14 को बराबर किस जानब ले आए, तो माइनस 14। सो माइनस 14 कहीं पे आए, ये रहा सी ऑप्शन। नंबर 29 देखें, नंबर 29 पे गौर करें। इफ यू हैव डन दिस पेपर इन 15 मिनट्स, अगर आपको ये पेपर करने में 15 मिनट लगते हैं, देन हाउ मच टाइम यू आर टेकिंग इन आवर्स, तो 15 मिनट्स को घंटों में तब्दील करें। देखें कि 1/4 आवर्स, वेरी इजी, चौथा हिस्सा होता है ये। आप क्या करेंगे, 15 मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए आवर से डिवाइड करेंगे, यानी 15 मिनट डिवाइड बाय 16 मिनट्स, सो 1/4। वेरी वेरी इजी। हु इज नोन एज फादर ऑफ ज्योमेट्री, यूक्लिड इज नोन एज फादर ऑफ ज्योमेट्री। वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन। देखें ये एक्स यहाँ पे ऐड करेंगे, 2 और 3 एक्स 5 एक्स 5 और 4 9, 9 देखें ये सिंपली ऐड करेंगे, ये बेसिक है, ठीक है। 2 और 3 5 4 9 14 14, और ये हो गए 20x-7, यानी कि 13x। फिर भी कंफर्म कर लूं, ये होते हैं 11 15 15 18 20, 20x-13x, सो 13x कहाँ, ये रहा 13x। उसके बाद नंबर 32 देखें, 4x(8x-2x-6x), यानी कि 0 आएगा, 0 कहाँ पे है, ये रहा देखिए कैसे, वो इस तरह के 8x, ये माइनस के 6, ये माइनस के 2, ये माइनस के 8 हो गए, या 8 में से 2 गए 6, 6 में से 6 गए 0, सो 4x(0=0। एनीथिंग नंबर मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, हमेशा 0 आएगा, ये याद रखें, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 ही आता है। नेक्स्ट वन नंबर है अब हमारे पास 33, 8 = 2 - 6x = 2, ये राइट साइड लेके जाएंगे, -8 -6, ये -8 और 2, ये हो जाए माइनस, माइनस माइनस में खत्म हो जाती है, सो 6/6 = 1, सो 1 अब है, बिल्कुल है। जब भी आंसर में डाउट हो, कंफर्म करना है, तो सेम इस पे पुट करके देखेंगे, पुट करके देखने से कंफर्म हो जाता है। जैसे x की जगह पे 1 पुट करें, फिर 8 1 पुट करेंगे, तो ये -7 ही आएगा, देखते हैं 2 आता है कि नहीं, 8 और 1 9, 9 में से 7 के 2, तो ये सही है, ठीक है। एक्स नंबर 34 देखें, x² = 33 + 16, इनको ऐड करें तो ये होते हैं मेरे ख्याल से 49, ठीक है, 9 और 4, सो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड x 7 7 द 49,